तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूं जहां पर आप किसी भी एक टीम पर पैसा लगा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि आज का जो मैच शुरू होने वाला है वो मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच शुरू होने वाला है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि आज का जो मैच है वो मुंबई इंडियंस जीतेगी तो आप मुंबई इंडियंस पर पैसा लगा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आज का जो मैच है वो बेंगलोर जीतेगी तो आप बेंगलोर के ऊपर पैसा लगा सकते हो। और इसमें पैसा लगाना बिल्कुल आसान तरीका है, कैसे करना है वो सारा कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ और साथ ही में इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे साइन अप करना है वो सारा कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेकर के आते रहता हूँ। अब चलिए सबसे पहले इस एप्लीकेशन के बारे में आपको बता देता हूँ कि इस एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है, उसके बाद इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कैसे करना है वो आपको बता दूंगा, साथ ही मैं इसमें साइन अप कैसे करना है वो भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर इस एप्लीकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको एक स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, मतलब जो भी यहाँ पे परफॉर्मेंस चलता रहेगा मैच का सारा कुछ यहाँ पर शो कर देगा। अब उसके नीचे यहाँ पे आपको विनर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब विनर का मतलब हुआ कि जो जीता, ठीक है, इसका मतलब यही होता है। अब बात आता है कि यहाँ पे दो टीमें शो करेगी, टीम वन और टीम टू। अब टीम वन कौन है वो समझिए, टीम वन देखिए जो इसके सोझे रहेगा ना वो टीम वन में गिनती आएगा और जो इसके सोझे रहेगा इसको टीम टू में गिनती आएगा। अब यहाँ पर बात आता है कि भाई टीम वन टीम टू तो मुझे समझ में आ गया, अब टीम वन पर अगर मैं पैसा लगाऊंगा तो मुझे कितना दिया जाएगा और साथ ही में अगर मैं टीम टू पर पैसा लगाऊंगा तो मुझे कितना दिया जाएगा। तो अगर सबसे पहले टीम वन की बात कर लेते हैं तो देखिए अगर टीम वन में अगर आप 1000 लगाइएगा तो आपको जो है वो 1670 रुपया दिया जाएगा, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ आ रहा है 1.67 गुना दिया जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि अगर आप 1000 लगाइएगा तो आपको 1670 रुपया दिया जाएगा। वहीं पर अब इसकी बात कर लेते हैं टीम टू के बारे में, तो देखिए टीम टू में जो है वो 2.2 गुना दिया जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि अगर आप यहां पर 1000 जो है वो अगर आप आरसीबी पर पैसा लगाते हो तो आपको जो है इसका गुना दिया जाएगा, मतलब टोटल जो विनिंग हो जाएगा वो 2200 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि एक टीम पर काफी ज्यादा दे रहा है और एक टीम पर जो है वो काफी कम दे रहा है। तो देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो आरसीबी का है वो जीतने का चांसेस काफी कम है, वहीं पर जो मुंबई इंडियंस है वो जीतने का जो है चांसेस काफी ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको टीम पर पैसा लगाना हुआ तो सीधे आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर लगाने के बाद आप यहाँ से पैसा लगा सकते हो। ठीक है, अब बात हो गया कि ये भाई ये तो विनर के गया, मतलब कि ये तो टीम पर पैसा लगाना हुआ, लेकिन अगर आप मैच में पैसा लगाना चाहते हो, मतलब कि आप ओवर बाय ओवर भी पैसा लगाना चाहते हो या फिर कौन सा प्लेयर कितने रन मारेगा वो आप पैसा लगाना चाहते हो, कितने विकेट गिरेंगे उस पर पैसा लगाना चाहते हो, तो उसके बारे में भी यहां पर जानकारी दे देता हूं। तो आप जैसे ही नीचे जाइएगा ना तो इसके साथ साथ एक और काम कर सकते हैं कि यहां पर आपसे एक और चीज पूछा जाएगा कि टोटल जो रन है वो कितने रन लगेंगे, मतलब दोनों टीमों को मिला करके कितना रन लगेगा। जैसे कि यहां पर 354.5 दिया जा रहा है, मतलब 355 रन। ठीक है, अब अगर 355 रन से ज्यादा लगता है तो आपको ओवर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, वहीं पर अगर 355 रन से कम लगेगा तो आपको अंडर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अब 355 तो आपको थोड़ा सा सुनने में लग रहा होगा कि काफी ज्यादा हो जा रहा होगा, लेकिन नहीं, अगर 355 को आप अगर डिवाइडेड बाई 2 करिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहां पर दोनों टीमों को मिला करके हो रहा है, मतलब कि एक टीम 177 रन से भी ज्यादा मारती नहीं है तो आपका जो पैसा है वो इस मैच में बने रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर एक चीज और बात कर लेते हैं कि अगर आपको हर एक मैच में ओवर बाय ओवर पैसा लगाना हुआ तो ओवर बाय ओवर पैसा कैसे लगा सकते हो। तो देखिए इसके नीचे आपको यहां पर देखने को मिलेगा ओवर वन। ठीक है, अब ओवर वन का मतलब हुआ कि एक ओवर में कितना रन लग सकता है, जैसे कि यहां पर 5.5 रन दे रहा है, मतलब 5.5 दिया जा रहा है। अब इसका मतलब हुआ कि 6 रन, ठीक है, 6 रन मान करके चलते हैं, तो 6 रन से अगर ज्यादा लगेगा तो आपको इसके ऊपर लगाना है ओवर के ऊपर, वहीं पर अगर 6 रन से नीचे लगेगा तो आपको अंडर के ऊपर पैसा लगाना है और यहां पर कम ज्यादा जो है वो पैसा देते रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको देख लेना है। और साथ ही में अगर आप प्लेयर के ऊपर पैसा लगाना चाहते हैं तो वो भी आपको यहां पर दिखा देता हूं, उसके बाद सीधे आपको डाउनलोड करने के लिए बता दूंगा कि कैसे आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो अब यहां पर थोड़ा सा नीचे जाइएगा ना तो यहां पर आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि अब यहां पर देखिए अगर यहां पर बात किया जाए कि भाई कौन सा प्लेयर कितने रन मारेगा तो वो भी यहां पर आप
आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है वो विराट कोहली का है, ठीक है, कि विराट कोहली जो है वो 34 रन बना पाएंगे। अगर 34 रन से ज़्यादा बनाएंगे तो यहाँ ओवर पर आपको डालना है। साथ ही में अगर आपको लगता है कि नहीं भाई 34 रन जो है वो आज विराट कोहली नहीं मारेगा, तो आपको अंडर के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर लगा सकते हो। अब यहाँ पर एक ही प्लेयर नहीं, बहुत सारे प्लेयर का ऑप्शन दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं विराट कोहली का हो गया, रोहित शर्मा का हो गया, सूर्य कुमार यादव को हो गया, किशन का हो गया, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया जाता है, तो आप यहाँ पर पैसा लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर सारा कुछ मैंने बता दिया कि टीम पर पैसा कैसे लगाना है, साथ ही में प्लेयर पर पैसा कैसे लगाना है। अब बात आता है कि इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो देखिए, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको नीचे आपको जाना है और वहाँ पर आपको एक लिंक देखने को मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे वहाँ पर क्लिक करिएगा, अब उसके बाद कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाता है, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। साथ ही में यहाँ पर आपसे ईमेल आईडी पूछा जाएगा, तो जो आपका ईमेल आईडी है वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा, तो जो आपको पासवर्ड क्रिएट करना है वहाँ पर डाल देना है, ठीक है। अब पासवर्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पर साइनअप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पैसा डालना पड़ेगा, पैसा डिपॉजिट करना होगा। तो पैसा डिपॉजिट करने के लिए यहाँ पे आपको प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं किसी भी तरीका से। अब पैसा डिपॉजिट करते समय एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आप यहाँ पर जितना भी पैसा ऐड करिएगा ना, उसका 50% जो है वो आपको कैश बोनस के रूप में दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 1000 रुपया ऐड किया, ठीक है, तो 1000 तो ऐड होगा ही होगा, लेकिन 500 रुपया इसका 50% होता है, तो 500 रुपया ये भी ऐड होगा, मतलब कि टोटल जो बैलेंस है यहाँ पे 1500 देखने को मिल जाएगा। वैसे ही अगर आप यहाँ पर 2000 ऐड करिएगा तो आपका जो बैलेंस है वो 3000 हो जाएगा, क्योंकि 1000 जो है वो आपको कैश बोनस के रूप में भी दिया जाएगा, तो टोटल जो है वो 3000 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करते समय इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर पैसा को डिपॉजिट कर लेना है। अब पैसा डिपॉजिट करने के बाद बात आता है कि कैसे इसमें पैसा लगाना है, ठीक है। तो पैसा लगाने के लिए आप नीचे जाइएगा और यहाँ पर आपको क्रिकेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, साथ ही में फुटबॉल का ऑप्शन, बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि मुझे क्रिकेट पर पैसा लगाना है, तो मैं क्रिकेट पर क्लिक करूंगा। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर जिस भी टीम पर पैसा लगाना चाहते हैं यहाँ पर आसानी तरीका से आप पैसा लगा सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही में अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेकर के आते रहे।